हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर जिला मुख्यालय पर स्थित पीजी कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन को लेकर बड़ा बखेड़ा देखने को मिला। छात्र संघ अध्यक्ष व कॉलेज प्रशासन आमने सामने हो गए। कॉलेज प्रशासन ने कोतवाली पुलिस को बुला लिया। वहीं पुलिस ने छात्र संघ अध्यक्ष दीपक थावला और धीरज गुर्जर को शांति भंग के आरोप में कॉलेज से घसीटते हुए हिरासत में ले लिया। छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह में सांचौर विधायक सुखराम विश्नोई के बुलाने को लेकर कॉलेज प्रशासन और छात्र संघ अध्यक्ष के बीच तनातनी हो गई। विधायक सुखराम विश्नोई के पितृशोक होने के चलते उद्घाटन समारोह में भाग नहीं ले सकते थे। वही छात्र संघ अध्यक्ष ने कार्यालय उद्घाटन समारोह को कुछ दिनों बाद आयोजित करने के लिए कॉलेज प्रशासन व जालौर SDM को ज्ञापन भी दिया था, पर कॉलेज प्रशासन उद्घाटन समारोह को आज ही करने पर अड़ा रहा। वहीं आज छात्र संघ कार्यालय का विरोध किया। विरोध को देखते हुए पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने छात्र संघ अध्यक्ष दीपक थावला व धीरज गुर्जर को हिरासत में लेने के बाद मनमानी पूर्वक बिना छात्र संघ अध्यक्ष के ही छात्र संघ अध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन करना तानाशाह रवैया प्रतीत हो रहा है। जालौर से जागरूक TV की रिपोर्ट।